वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, साइंस पर है, ट्रांसपोर्टेशन पर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स। और इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में कुछ बात कर रहे थे हम न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की ज़रूरत है और बॉडी की अच्छी तरह, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हों, सबको एनर्जी हासिल करने के लिए, सबको रेस्पायर करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत रहती है, मिनरल्स की ज़रूरत रहती है। और ये जो चीज़ें हमने कल जिक्र की थी तो इनको न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स कल हमने बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, मैक्रो ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किए जाने वाले, हासिल किए जाने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जिक्र हमने कल किया था और उनको, उनकी ज़रूरत क्या है प्लांट बॉडी में और ना होने से उनको क्या प्रॉब्लम आती है, इतना हमने जिक्र किया था। तो नाइट्रोजन के बारे में जिक्र किया था, कैल्शियम के बारे में जिक्र किया था, पोटेशियम के बारे में जिक्र किया था, फॉस्फोरस के बारे में जिक्र किया था, मैग्नीशियम के बारे में जिक्र किया था। आज हम जिक्र करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मकदार में प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो है मैग्नीज, आयरन और जिंक। तो अगर हम मैग्नीज की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इसका बड़ा रोल है। और एक चीज़ और बता दें आपको, आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो उसको ज़रा सा क्लियरिफाई कर दें कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये ऑक्सीजन उनको ज़रूरत पड़ती है उनकी सेल्स में मौजूद ग्लूकोज के कम्बशन के लिए। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कम्बशन या बर्निंग होती है, एक ऐसी केमिकल चेंज है जो बर्निंग के नाम से जानी जाती है, कम्बशन के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें ना तो कोई आग पैदा होगी, देयर इज नो फायर इन दैट कम्बशन, और ना ही इस कम्बशन में कोई गर्मी पैदा होगी। ये बड़ा ठंडा प्रोसेस है कम्बशन, ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और पानी बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो जब एनिमल रेस्पायर करते हैं तो उनको जो चीज़ मिलती है वो हर काम करने के लिए एनर्जी, एनर्जी उनकी सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में कैद कर ली जाती है, ट्रैप कर ली जाती है, वहीं स्टोर कर ली जाती है। और उनके स्टोरेज का जो तरीका है उसमें एक केमिकल की शक्ल में वो स्टोर होती है, उसको कहते हैं ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसकी शक्ल में माइटोकॉन्ड्रिया इसको रख लेता है और जब जब ज़रूरत पड़ती है ये जो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको तोड़कर इसमें बॉन्ड रहते हैं, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट टूटेगा तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बनेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट टूटेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तैयार होगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। और फिर सेल्स तुरंत फौरन ही एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में बदल देते हैं, और चूंकि एनर्जी और ऑक्सीडेशन का अमल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये न्यूट्रिशन और यानी इसमें जो मैग्नीज है ये प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन वो रात में, उनका जो ग्लूकोज बन गया है दिन में फोटोसिंथेसिस, उससे एनर्जी भी निकालेंगे तो रात को रेस्पायर करेंगे। तो प्लांट में रेस्पायरेशन हो रहा हो रात में या दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही हो, मैग्नीज का रोल उसमें ज़बरदस्त होता है। और अगर ऐसा नहीं होता, ये चीज़ नहीं मिलती मैग्नीज, तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं,
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, येलो होने लगती हैं और प्लांट की लीव्स पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं। जिंक एक दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ये जो देखिए एक चीज होती है एंजाइम। एंजाइम कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो दूसरे केमिकल रिएक्शंस को शुरू कराते हैं और उनको उनमें तेजी लाते हैं और हर जगह मतलब इस तरह के एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे। ये काम रेस्पिरेशन का या डाइजेशन का एंजाइम्स के बगैर नहीं होता, तो ये एंजाइम मौजूद होते हैं और एंजाइम्स का खास हिस्सा है जिंक। तो इसका मतलब अगर जिंक नहीं है तो एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी जो करने वाले हैं, मान लीजिए रेस्पिरेशन की एक्टिविटी करने वाले हैं या डाइजेशन की एक्टिविटी करने वाले हैं, वो पूरा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जिंक। इसके अलावा आयरन है जो कि प्लांट में क्लोरोफिल के बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स में क्लोरोफिल के बनने के लिए ज़रूरी होता है आयरन। और थोड़ा सा हम बता दें जगह आपको एनिमल के सिलसिले में, एनिमल में या ह्यूमन बीइंग्स में भी ये आयरन बहुत ज़रूरी होता है और ये ब्लड में हीमोग्लोबिन की शक्ल में ब्लड सेल्स में मिलता है। रेड ब्लड सेल्स, तीन तरह की सेल्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स में अच्छी मकदार में अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो हीम कहते हैं आयरन को, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसकी मौजूदगी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यानी जो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन, जो एयर हम लेते हैं लंग्स में या जो भी एनिमल जिनके पास लंग्स हैं या स्किन के थ्रू, तो जो एयर पहुंचती है उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन रहती है फ्रेश एयर में, तो उस ऑक्सीजन को उस एयर से अलहदा करके ब्लड उसको सेल्स तक ले जाए, उसके लिए ये एक कैरियर है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और इसी तरह प्लांट में, तो अगर वो पकड़ेगा ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ले जाएगा सेल तक, इसी तरह प्लांट में क्लोरोफिल एक ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में लीव जो हैं कुछ वक्त के बाद उनका हरा रंग ख़त्म होता जाता है। एक्चुअली हरा रंग ख़त्म नहीं होता बल्कि क्लोरोफिल वहाँ से ख़त्म होने लगता है और फिर पत्तियाँ जो हैं उनके दूसरे रंग तैयार हो जाते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि येलोइंग ऑफ द लीव्स होती है, पीली पत्तियाँ होती हैं। पीली पत्तियाँ जब होती हैं तो वो फिर एक तरीके से नाकारा हो गई हैं, अब वो उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो काम नहीं होगा जिसके लिए वो मशहूर हैं। यानी किचन नहीं रहा वो, अब वो अबेंडेंट किचन है और फिर वो पेड़ से गिर जाती हैं येलो लीव्स। तो ग्रोथ की प्लांट और प्लांट की ग्रोथ और लीव का पीला पड़ना, ये दोनों अगर ये नहीं है, आयरन नहीं है, तो मुतासर होगा। तो ये इतना याद रखिएगा। एक नीचे इसमें बॉक्स है वो आप तैयार कर लीजिएगा आप अपनी बायो की कॉपी पे, और उनके जो जवाब हैं वो आप देखिएगा इस चैप्टर में। पहला फ्लोएम, ये ट्रू फॉल्स हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ ट्रैकीट्स एंड वेसल्स, तो ये फॉल्स है। रूट हेयर सेल्स आर आउटग्रोथ्स ऑफ द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट्स, ये एपिडर्मिस की होती है, ये भी फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रिक्वायर्स एनर्जी, डिफ्यूजन का प्रोसेस इतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं करता जितनी एनर्जी जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में।
root absorb mineral from the soil mainly through osmosis. ज़्यादातर osmosis से पानी का absorption होता है, diffusion से minerals का absorption होता है और active transport से mineral का absorption होता है. Food moves upward as well as downwards in the phloem. ये बात ठीक, तो इतना आप कर लीजिएगा. बाकी मुलाकात होगी चौथे लेक्चर में इंशाल्लाह.